वेलकम टू अनलर्न ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा कि कैसे आप जो है आईटीआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो दिल्ली आई में आईटीआई ट्रेड्स निकली है उसकी, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सारे के सारे, आप जो है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल्स आपको दूंगा, फी पेमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा। मैंने जो है सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं फॉर्म फिल करने के बाद, और आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वो वीडियोस वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दिया है, आप जो है वो प्रोस्पेक्टस देख लेना ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में मैं बस आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा, थोड़ी अदर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला ही लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, वो दे रखा है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। आपको जो है इस पेज ओपन होने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा ऑप्शन आएगा। नीचे आप जो है स्क्रॉल करना, क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। मेरे सामने एक लड़का आया था, मैंने जो है उसका फॉर्म फिल किया, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फादर्स नेम, उसकी मदर्स का नाम, और जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मेल कैटेगरी आपको चूज करनी है, अगर आप मेल है तो, अदरवाइज आप फीमेल चूज कर सकते हैं। कैटेगरी जो है यहाँ पर मैंने जनरल चूज करी क्योंकि वो बच्चा जनरल था। उसके बाद आर यू एन इनमेट ऑफ ऑर्फनेज, तो मैंने इसमें नो कर दिया, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है अनाथालय से रिलेटेड। उसके बाद जो यहाँ पर इज योर स्कूल एंड रेजिडेंट बोथ लोकेटेड इन रूरल एरिया ऑफ दिल्ली, तो ये मैंने नो कर दिया क्योंकि स्कूल जो है सही एरिया में लोकेटेड था। रिलीजन जो है मैंने हिंदू डाला, और यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस मैंने डाल दिया जो आधार कार्ड में अवेलेबल था। स्टेट दिल्ली डाला, पिन कोड 1100 जो था मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आप गलत मत डालना क्योंकि इसका जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसी मोबाइल नंबर पर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो 8वीं पास और 10वीं पास दोनों सिलेक्ट करने के लिए, या फिर आप जो है सिंगल चूज कर सकते, तो मैंने ओनली 10वीं पास चूज किया था। अगर आप जो है बोथ सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दो कॉलम आएंगे आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स डालने के लिए, तो मैंने सिंपल जो है यहाँ पर 10वीं सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो है आपके मार्क्स आपको ग्रेड के हिसाब से मिले, या फिर आपके मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से मिले, या फिर आपको मार्क्स मिले, तो वो उसके बेस पर आपको जो है यहाँ पर मार्क्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, दिल्ली का आईटीआई है, तो अदर स्टेट से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट से नहीं फिल कर सकते। तो यहाँ पर ₹200 फीस लगेगी, आपको पता ही है प्रोस्पेक्टस में आपने देख लिया होगा जो मैंने कल वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे कि अदर चूज करेंगे या फिर दिल्ली, तो मैंने दिल्ली चूज कर लिया। दिल्ली के बाद मैंने सी प्रेस किया लैपटॉप से या कंप्यूटर से, कीबोर्ड से, तो वहां पर जो है मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज कर लिया। फिर उसके बाद सारे के सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिखा दिए, और यहाँ पर जो ग्रेड मेरे को दे रखी थी 10th क्लास में वो मैंने यहाँ पर लिख दी, और सारे एग्जाम में बच्चा पास था तो मैंने सारे के सारे एग्जाम्स का उसका पास यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट इसका नीचे वाला पार्ट है, तो पहले ही आप जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना, वरना ये रिफ्रेश होता रहेगा, फिर बाद में नीचे वाले पार्ट फिल करना। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे रहा है, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद पासवर्ड आपका 12 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि gaurav@123hash डाल देना आप, raja@123hash डाल देना, इस तरीके के पासवर्ड डालना, और 12 डिजिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपके जो है लॉगिन करने में दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो है ये एंटर सिक्योरिटी पिन डालना और फिर सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, जैसे इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर 10-91-51 है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो डायरेक्टली यहाँ से भी लॉगिन करने के लिए जा सकते हैं पेमेंट के लिए, या फिर आप होम पर चले जा सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, या जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ये जो है ऑप्शन देगा आपको, तो यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड, आईडी आपकी वही होनी चाहिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और उसके बाद पासवर्ड मैंने डाला, और फिर जो है यहाँ पर कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करोगे तो आपको इश्यू दिखाएगा, तो मैं इससे लॉगिन नहीं कर पाया, इसलिए मैं जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन पर आया। मैंने जो है दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक किया होम पर, और जो है मैं इस पेज पर आ गया रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन पर, और फिर जो है मेरे सामने ऐसा ऑप्शन आया। फिर मैंने क्या किया, फी पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा जो है पे रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे को लेके चले गए इस वाले पेज पर,
ये आपका चार्जेस दिखाएगा कि कितने चार्जेस आपके लगेंगे, किस कार्ड पे कितने लगेंगे। फिर मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे को ये पेमेंट मोड पर ले जाएगा। मैंने कार्ड नंबर डाला, एक्सपायरी डेट डाली, ईयर डाला और CVV नंबर डाला, और यहाँ पर जो है कार्ड होल्डर का नाम जो है जैसे कि जो भी नाम था वो डाल दिया, और 200 रुपये की मेक पेमेंट करी तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, OTP आपने जो है फिल करना है और आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको पेमेंट रिसीव की आपको जो है प्रिंटआउट लेना है, इसका आप प्रिंटआउट लेकर रखना ताकि कोई भी इश्यू हो तो बाद में इसे आप शो कर सकें, और बाकी इस तरीके से आपकी जो है पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी, इसका आप प्रिंटआउट ले लेना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन पहले आपका ब्लू आ रहा था यानी पेमेंट नहीं हुई थी, तो अब जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ग्रीन आने लग गया है। फिर आपको चॉइसेस फिल करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ NCVT आप चूज करें, तो यहाँ पर मैं NCVT का ही आपको चूज करके बताऊंगा। मैंने चॉइसेस पे क्लिक किया, ऊपर वाले ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली चॉइसेस फिलिंग पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ। अब आपको जो है यहाँ पर जो जो कोर्सेज चूज करना है, जैसे कि मैंने कोई सा भी कोर्स चूज करना है तो मैं ऐड पे क्लिक करता रहूंगा, यहाँ पर मेरे साइड में कोर्सेज आते रहेंगे, वो अभी मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। तो मैंने जो है ऐसे चूज किया, ये जो है आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक यहाँ पे, मैं कोपा को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ तो उस बच्चे का भी मैंने कोपा ही फिल किया था। तो यहाँ पर जो है मैंने आपका एक एक ऐड करता गया और यहाँ पे चीजें ऐड होते रही। पहले मैंने कोपा किया, फिर फिटर किया, फिर मशीनिस्ट, फिर इलेक्ट्रिशियन, फिर इसके नीचे नीचे भी बहुत सारे मैंने कर रखे हैं। तो मैंने आपका मालवीय नगर और पूसा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी क्योंकि उस बच्चे के घर के नजदीक ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। उसके बाद जैसे आप अपना ये चूज कर लेंगे तो आपको नीचे नीचे बोलेगा आपका सेव करने के लिए ऑप्शन, सेव या फिर सेव एन एग्जिट। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा पेज ओपन हो जाएगा सेव एन एग्जिट के बाद। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रिंट आउट है, इसका प्रिंट आउट आप ले लेना। आपको वहां पर बोलेगा कि प्रिंट आउट लेना, तो उसका प्रिंट आउट लेके आप जो सारे के सारे ट्रेड्स जो आपने चूज किए हैं वो आपके शो होने लग जाएंगे। तो ये ट्रेड्स चूज किए थे और ये इंस्टीट्यूट बगल में जो है इसके ये चूज किए थे, तो ये आप जो है देख सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग का कॉलम भी जो है कंप्लीट हो गया। चॉइस फिलिंग जो है बाद में आप एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडिट नहीं कर सकते। अब 4 जून से इसका जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। अब इतना ही पार्ट आपका फिल होगा, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन वाले या तो आपका ये कंप्लीट कर देंगे या फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो जैसे ही आप इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी नजदीकी ITI, दिल्ली के नजदीकी ITI में आपको जाना जो आपके घर के पास हो गवर्नमेंट, और उस पे जाकर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। जैसे आप उसे वेरीफाई करवा लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद जो है धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगी, आपको फॉर्म फिल होना सही लगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए इस तरीके से और भी फॉर्म फिल करके आपको बता सकूं और आपके डाउट्स दूर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।